समाज के लोगों को पता चलना चाहिए उनका यूज कहाँ हो रहा है, इस्तेमाल नहीं करना ना इस्तेमाल होना है। भैया मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं, ना किसी का, ना किसी पार्टी का हूँ, ना किसी उसका, मैं हूँ समाज का बंदा, एक नॉर्मल इंसान, जो हर बंदे की सोच है मेरे भाई, पर ना उसको ना माहौल नहीं मिलता बात करने का अपने समाज के लिए। हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने अंदर के जो बातें हैं ना वो अंदर ही ले जाते हैं, दूसरों की सुनने के लिए दूसरे ठाकुर बनिए पंडित पंडित पता नहीं किनके किनके पास बैठ देंगे दूसरों की सुनने के लिए, पर अपने लिए नहीं है, ना अपने बच्चों को बता सकते तुम, ये सबसे बड़ी कमी है। अपनी भी तो करो भैया, सुनने के लिए वही तो बात कर रहा हूँ, कमी यही है, अपनी बात नहीं रखते आगे। समाज कहाँ से बढ़ेगा जब समाज के लोग बोलना शुरू होएंगे अपने समाज के बारे में, जब तुम अपने समाज के बारे में बोल ही नहीं सकते, जब जय श्री राम ही करना है या जय भीम ही करना है, तो जय श्री राम और जय भीम के चक्कर में पासी गुम हो चुका है, वो जागना चाहिए। जय भीम अपनी जगह है, जय श्री राम अपनी जगह है, उससे पहले तुम अपने समाज के भी हो, अपने घर से भी हो, अपने घर के बारे में भी सोच लो। वो बाद की बातें हैं, जब तुम घर से खाना खा के चलोगे ना तो तुम्हें बाहर जय श्री राम बोलोगे ना तो डबल जोर से आवाज आएगी, पर तुम्हारे घर में दाने हैं नहीं, तुम भूखे पेट जा रहे हो, तुम ना जय श्री राम बोल पाओगे ना जय भीम बोल पाओगे ढंग से, तो वहां से भी जब तुम ज्यादा तुम्हारी बुलंद आवाज नहीं होगी वहां से भी लात पड़ेगी, तुम दोबारा अपने घर ही आओगे, समझे? ठीक है ना। किसी का भी आप थोड़ी देर पहले बोले थे जब पहचान होती है तो उसकी पहचान उसके परिवार से होती है, उसकी फैमिली से होती है, उसके आने वाली पीढ़ी से होती है, उसके बीतने वाली पीढ़ी से होती है। और ये एक मिनट राम कुमार, राम क्या नाम मेरे भाई, एक मिनट, एक मेरे भाई पासी नेहरू जी बोल रहे हैं बिजली पासी किले के नाम से संगठन वालों के घर चलते हैं। भैया घर तो चले जाए, वो अब ये तो पता करो कि वो उन्होंने पैसे बनाने के लिए मशीन लगाई है या कि काम करने के लिए लगाई है। अगर वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो भी घर चलेंगे, अगर उन्होंने घर अपना पेट भरने के लिए संगठन बनाया है तो भी उनके घर चलेंगे, कोई बात नहीं, जैसे कहेंगे वैसे चलेंगे। अगर उन्होंने सवेरे चाय पानी का इंतजाम के लिए बनाया तो चाय पानी पीने के लिए चलेंगे, अगर उन्होंने रात के खाने का इंतजाम करा तो रात के खाने के लिए भी चलेंगे, कोई चक्कर नहीं। उनका एड्रेस प्रूफ या कोई फ़ोन नंबर हो तो मेरे को फ़ोन करो, अभी फ़ोन करते हैं उनसे पूछ लेते हैं, वैसे अब रात ज़्यादा हो गया, फ़ोन तो क्या करेंगे, कल सवेरे 11 बजे दोबारा चलेंगे। इसी टॉपिक पे हूँ भाई, लॉकडाउन है और जब तक लॉकडाउन है तब तक सारे समाज के जितने भी भाई, कोई संगठन वाला किसी का नंबर हो, कोई अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है उसका नंबर भी दो, उसके बारे में जानकारी मेरे को मैसेज करो, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी बात हर समाज के लोगों तक पहुँचाएंगे, जो जो खा रहे हैं ना समाज को उनके बारे में बताएंगे कि ये खा रहे हैं, कि समाज के लोगों को पता चलना चाहिए उनका यूज़ कहाँ हो रहा है, इस्तेमाल नहीं करना ना इस्तेमाल होना है, ये बात समाज के लोगों को जाननी चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को ना किसी का इस्तेमाल करो ना अपना इस्तेमाल होने दो। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना उसी दिन पासे समाज आगे बढ़ेगा, उससे पहले कभी नहीं हो सकता। हाँ जी, नहीं बात सही है, बस आपने जो बोला उससे हम संतुष्ट हैं और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ी सी जो बात पूरी रखना चाहता। हाँ जी हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, कोई नहीं बोलिए। बात में रखना चाहता इच्छा ये कि आपने बाबा साहब के बारे में बात किया था, जो अंबेडकर पार्क के बारे में, कि हाँ जी, इतने जिले में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिसमें अंबेडकर पार्क नहीं। जिले जिले का मेरे को कोई मतलब नहीं था, मेरे को मतलब था कि बिजली पासी किले की 160 बीघे जमीन थी, उसमें से सिर्फ 60 बीघे में जमीन रह गई है और 100 बीघे में उन्होंने अपना पार्क बना लिया, उसके अंदर एक ईंट पे एक नाम भी नहीं लिखा बिजली पासी के बारे में, उस रोड पे ना मूर्ति लगी, बिजली लेफोनी कट गया। चलो सबसे बड़ी बात भैया, मुझे दिक्कत यहाँ आई, सबसे बात करना चाहूँगा कि मैं जब लखनऊ गया था तो बिजली पासी के किले पे भी घूम के आया, उसके सामने ही पार्क भी है 100 बीघे का पार्क, उस पार्क में एक भी ईंट बिजली पासी के नाम पर नहीं है, उसमें एक भी मूर्ति एक भी ईंट पे नाम नहीं है, और बिजली पासी चौक है और उसको किला चौक कहा जाता है, उस पर मूर्ति भी नहीं है, उस पर नाम भी नहीं लिखा हुआ बिजली पासी चौक, वो भी नहीं बताया हुआ। इतना करोड़ों रुपया लगा दिया उन्होंने, अरबों रुपया लगा दिया, तो उसमें से अगर हमारे समाज के लोग भी तो हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, BSP को सपोर्ट करी है जिन्होंने, तो हमारा क्या इतना हक नहीं बनता था कि एक मूर्ति हमारे सरकारी खाते में इतने पैसे आए थे, तुमने हाथियों की फैमिली लगा दी, बड़ा हाथी छोटा हाथी उनके बच्चे, तो बच्चों को ना भी लगाते, उनकी जगह हमारे बिजली महाराजा बिजली पासी लाखन पासी लखनऊ के
शहनशाह है, उनके नाम पे एक मूर्ति तो लगवा सकते हैं। इतने बड़े बड़े फुहारे लगवा दिए, एक चौक अंदर लगवा दिया, तो थोड़ा ही लगा देते। तो उनको कहना चाहूंगा जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको खास तौर पर, कि लानत है तुम पे जो तुम इतना सा नहीं करवा पाए। तुमने अपनी सारी उम्र लगा दी उनपे, बीएसपी को खड़े करने में उम्र लगा दी, तुमने अपने बच्चे लगा दिए, जिन माँ बापों ने अपने बच्चे लगाए बीएसपी में, उन पे भी लानत है कि तुमने क्या सोच के लगाई थी दलित के नाम पे। दलित के नाम पे तुम्हें क्या मिला? आर्टिकल 15। तो भैया इस्तेमाल मत होने दो, करो सब कुछ करो, पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए तुम्हें। आज के वक्त में इस्तेमाल ज्यादा हो रहे हो, तुम्हें इस्तेमाल करना, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना आया तो तुम इस्तेमाल ही होगे।